तो चलिए आज सीखेंगे किसी की मुस्कुराहटों पे निसार फ्रॉम द मूवी अनाड़ी। इसका पूरा गाना स्टार्ट से लेके एंड तक सीखते हैं। सी माइनर स्केल का सॉन्ग किसी की मुस्कुराहटों पे निसार। अब करना क्या है, पांचवा फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग और तीसरा फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे लेना है रिंग और यहाँ लेना है इंडेक्स। अब तीसरा और पहला स्ट्रिंग बजाया हमने सिंगल सिंगल स्ट्रोक, सेकंड टाइम अब रिंग पे डबल स्ट्रोक और इंडेक्स पे सिंगल स्ट्रोक कंबाइन किया। अब चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथे तीसरे दूसरे ये नंबर के स्ट्रिंग्स पे डबल स्ट्रोक बजाने हैं और फर्स्ट नंबर के स्ट्रिंग पे सिंगल स्ट्रोक बजाना है। एक दो एक दो एक दो एक और पांचवा पांचवा चौथा तीसरे नंबर का फ्रेट आएगा। इतना समझ में आया? अब वापस पहला ही लूप रिपीट हो रहा है। अब यहां पे क्या चेंज हुआ, इंडेक्स मिडल इंडेक्स। अब यहां इंडेक्स पे लेने हैं चार स्ट्रोक। वो चार स्ट्रोक कैसे लेने हैं, डाउन डाउन अप डाउन, सेम कॉम्बिनेशन मिडल पे यानी डाउन डाउन अप डाउन और इंडेक्स पे सिंगल स्ट्रोक डाउन। कंबाइन करेंगे स्पीड में बजाएंगे इसको तो कैसे सुनाई आएगा। अब इसके माइनस इसके बाद सी माइनर कॉर्ड सस्टेन करना है और यहां से आपका मुखड़ा शुरू हो जाएगा। ये था इंट्रो का सेक्शन। मुखड़े में एकदम सिंपल टेक्निक है, 3-2-1 स्ट्रिंग, पांचवा चौथा तीसरा फ्रेट और फिंगर वहीं रखने हैं और अब क्या किया मैंने, 3-2-3-1 यानी, और इसको कंबाइन करना है कैसे, और ये लूप लेना है पांच बार यानी किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये हो गए तीन लूप। किसी का दर्द मिल सके, ये हो गए दो लूप। इसके बाद तोले उधार, रिंग इंडेक्स मिडल लिटिल, रिंग था थर्ड स्ट्रिंग में, इंडेक्स मिडल लिटिल सेकंड स्ट्रिंग, 3-4 और 6 नंबर का फ्रेट। सो कंबाइन किया किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। अब इंडेक्स मिडल इंडेक्स लिटिल ये सीक्वेंस ट्वाइस लेना है। किसी के वास्ते होते, अब वापस लिया इंडेक्स थर्ड फ्रेट और गिनती है किसी के वास्ते होते रे, अब मिडल दिल में, मिडल सेकंड में, रिंग थर्ड में और वापस मिडल फर्स्ट स्ट्रिंग में, दिल में प्यार। सो कंबाइन किया किसी के वास्ते होते रे दिल में प्यार। अब मिडल लिटिल लिटिल सब पहले स्ट्रिंग पे चल रहा है, चौथा छठवा सातवा और गिनती है जीना इसी का। सो 4-6-7-6-4 जीना इसी का और लिटिल मिडल इंडेक्स 6-4-3 नाम है जीना इसी का नाम है। ये आपका मुखड़ा हो गया फिनिश। अब M1 यानी म्यूजिक वन के लिए कुछ भी नहीं, वही सेम जो इंट्रो में हमने किया था यानी 4-3-2 नंबर की स्ट्रिंग, 5-4-3 नंबर का फ्रेट। अब क्या किया, डायरेक्ट हमने शिफ्ट किया है लिटिल
आठवीं फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग में और मिडल छठवीं फ्रेट में। अब यही लूप सेकंड टाइम यानी 3, 4 और 3 नंबर की फ्रेट में पहले स्ट्रिंग पे दोनों कंबाइन किए, कैसे आएगा सुर सुनाई या टोन कैसे तैयार होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे में मिडल इंडेक्स लिटिल इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग चौथा फ्रेट तीसरा फ्रेट छठवां फ्रेट तीसरा फ्रेट ये बजाना है 2 बार। अब मिडल लिटिल मिडल इंडेक्स रिंग सिर्फ रिंग गया थर्ड स्ट्रिंग पे, बाकी जितना भी आपने बजाया है वो बजाना है आपको सेकंड स्ट्रिंग पे। मिडल यानी मिडल लिटिल मिडल इंडेक्स रिंग टंग टा टंग टा टंग सब कंबाइन करके दिखा तो यहां तक का। अब ये यहां से जो आगे का सेक्शन है ये स्ट्रिंग्स का वायलिंस के सेक्शंस बज रहे हैं, एकदम इजी टेक्निक है इसकी। आप जहां रुके उसके लास्ट बटन वाले नोट से नेक्स्ट लूप शुरू हो रहा है यानी इंडेक्स लिटिल मिडल इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग लिटिल सेकंड स्ट्रिंग तीसरा फ्रेट छठवा फ्रेट तारारा मिडल गया चौथी फ्रेट में पहले स्ट्रिंग में फिर इंडेक्स लिटिल मिडल तीसरा फ्रेट छठवा फ्रेट चौथा फ्रेट इंडेक्स था पहली स्ट्रिंग में लिटिल और मिडल सेकंड स्ट्रिंग में सब कंबाइन किया ये पहला लूप। अब ये दूसरा लूप यहां पे क्या किया लिटिल मिडल सेकंड स्ट्रिंग इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग फिर लिटिल मिडल इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग 6, 4, 3 ये नंबर की फ्रेट्स। अब लास्ट बट वन बोला था तो अब ये लास्ट था उससे पहले का यानी ये अब मिडल इंडेक्स रिंग दूसरा दूसरा स्ट्रिंग और ये रिंग गया तीसरे स्ट्रिंग पे। अब इंडेक्स रिंग मिडल सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग तीसरा फ्रेट चौथा फ्रेट सॉरी तीसरा फ्रेट पांचवा फ्रेट और चौथा फ्रेट सब कंबाइन किया। अब रिंग मिडल लिटिल रिंग तीसरा स्ट्रिंग तीसरा स्ट्रिंग चौथा स्ट्रिंग चौथा स्ट्रिंग और पांचवी फ्रेट चौथी फ्रेट छठवी फ्रेट पांचवी फ्रेट सब कंबाइन करते हैं। ये हो गया आपका M1। इसके बाद यहां से डायरेक्ट आपको जंप करनी है 11th फ्रेट में और पहला स्ट्रिंग रिंग लिटिल 2 बार फिर इंडेक्स 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 सब पहले स्ट्रिंग पे चल रहा है 11, 10, 8, 7, 8, 7, 8 तो ये बजा क्या मान अपनी जेब से पकी र है के लिए रिंग लिटिल 10वें और 11वें फ्रेट में सब कंबाइन करते हैं। इसके बाद छोटा सा एक पीस है गिटार का बोलिए या मैंडोलिन पे बोलिए वो बज रहा है सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग इंडेक्स इंडेक्स 8वीं फ्रेट में रिंग और लिटिल 10वीं और 11वीं फ्रेट में कंबाइन किया। अब फिर भी यार दिल के हम वही लूप चल रहा था वही जहां तक आपने जो पहला सीखा माना अपनी जेब से फकीर है इसी का रिपीटेशन है फिर भी यार दिल के हम
यहां से डायरेक्ट तीसरी फ्रेट में जंप कीजिए। यहां पे लेना है आपको इंडेक्स मिडल पहले स्ट्रिंग में तीसरी और चौथी फ्रेट में, लिटिल गया छठवीं फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग और इंडेक्स पहले स्ट्रिंग में तीसरी फ्रेट में। फिर भी यार दिल के हम अमीर है। अब इसके बाद रिंग मिडल मिडल तीसरा स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग पहला स्ट्रिंग और इंडेक्स लिया तीसरी फ्रेट में पहले स्ट्रिंग पे पा 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 पा। ये भी छोटा सा गिटार का पीस है। और इसके बाद क्या आ रहा है, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, आपने जो मुखड़ा बजाया था किसी की मुस्कुराहटों पे एज इट इज उसका वैसे के वैसा ही रिपीटेशन है, कुछ भी चेंज नहीं है उसके अलावा। मैं सिर्फ गिनती पे बजा के बता रहा हूँ और गा के बता रहा हूँ। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। अब इसके बाद जो म्यूजिक का पीस आ रहा वो जैसे के वैसा M1 जैसा था, सिर्फ एक सुर का चेंज है। वो क्या है, एक सुर पहली बार हमने यहां ये किया था, स्टॉप लिया था, सेकंड टाइम में ये एक्स्ट्रा नोट बज रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। मैं M2 बजा के बता रहा हूं। और जैसा पहला अंतरा था वैसा ही दूसरा अंतरा है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब आखिरी में क्या हो रहा है, ये जो हमने पीस बजाया था अभी, ये तीन बार लेना है आपको लास्ट में। और यहां पे तीसरी बार में आपको छठवीं फ्रेट पहले स्ट्रिंग में स्टॉप करना है। सो दोस्तों, आपको अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा तो जरूर इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है मनीष मुरेकर गिटार ट्यूटोरियल। थैंक यू।